राजधानी पटना में अब गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन पर बात करना आपको महंगा पड़ सकता है। जी हाँ, परिवहन विभाग ने कहा है कि अब गाड़ी चलाते हुए मोबाइल का इस्तेमाल करने पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। ये व्यवस्था 23 अगस्त से प्रभावी रूप से लागू कर दी जाएगी। इसके अलावा परिवहन विभाग ने और भी कई कड़े नियम बनाए। अगर आप सड़क पर वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग करते हैं तो सावधान हो जाइए। पटना पुलिस इसको लेकर भी 5,000 जुर्माने की राशि वसूलेगी। दरअसल पटना में ट्रैफिक व्यवस्था को सही करने के लिए और आए दिन जो घटनाएं पटना के अंदर हो रही है उस पर निगरानी रखने के लिए कैमरों के जरिए पटना पुलिस ट्रैफिक व्यवस्था को और चुस्त और तंदुरुस्त कर रही है। इसी कड़ी में पटना में अब गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन्स का उपयोग महंगा पड़ेगा और इसको लेकर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। यह व्यवस्था 23 अगस्त से प्रभावी हो जाएगी। लाल बत्ती पार करने और यातायात नियम के विरुद्ध गाड़ी चलाने पर 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 और 5,000 तक का जुर्माना लग सकता है। खतरनाक तरीके से वाहन चलाने पर 5,000 का जुर्माना लग जाएगा। परिवहन विभाग इसे 23 अगस्त से लागू करने का निर्णय ले चुकी है और पटना में लगभग हजारों कैमरों के जरिए इसको लेकर निगरानी की जा रही है और कहीं ना कहीं पटना के जो प्रमुख चौराहे हैं, चाहे डकबंगला चौराहे की बात कर ले या इनकम टैक्स गोलंबर की, तमाम चौराहों पर कैमरा लगाए गए हैं, ट्रैफिक पुलिस भी तैनात हैं और ऐसे में अब गलत तरीके से वाहन चलाना आपके जेब पर असर डाल सकता है। वहीं मोबाइल फोन का प्रयोग करना आपके लिए अब हानिकारक हो जाएगा, इसलिए कि 5,000 का जुर्माना पटना पुलिस लगाएगी और 23 तारीख से इस व्यवस्था को शुरू किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट जितेंद्र के साथ सनी न्यूज स्टेट पटना। ठीक है, ये बात को मानते हैं कि 5,000 जुर्माना लगेगा। अगर गाड़ी चलाते समय कहीं फोन आ गया तो किस जगह पर रोकेगा उसके लिए सूचित किए करेगा सरकार, या नहीं करते हैं तो ट्रैफिक कहीं भी रोकता है तो मार के भगाना शुरू कर देता है, तो उसके लिए क्या व्यवस्था है? नियम जो लगा है सही है, लेकिन गाड़ी रोकने के लिए भी चाहिए ना, फोन किसी के इमरजेंसी आ रहा नहीं आ रहा तो उसके लिए व्यवस्था का हाँ होना चाहिए ना। तो सर गलत है, जो मोबाइल पे बात नहीं करना चाहिए गाड़ी चलाते समय, कहीं भी अपना गाड़ी एक साइड में लगा के ही बात करना चाहिए। लेकिन 5,000 रुपया जुर्माना बहुत ज़्यादा है, एक्सेस ज़्यादा है, इस पर कुछ कंट्रोल होना चाहिए। नियम सही है लेकिन जुर्माना की राशि बहुत है, जुर्माना की राशि बहुत है, कम किया जाए इस पर। जैसे चला बात करते समय तो बात करने के लिए अलाउ नहीं होना चाहिए।